ठीक है गाइस, मैं अखिलेश और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल टेक अखिलेश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो का Y20 फोन में फोन अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस अगर आपके भी फोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ तो गाइस अगर आप भी अपने फोन में फोन को अप्लाई नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में, हम यहाँ से गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ पे गाइस सेटिंग के जरिए अपने फोन में फोन अप्लाई प्रॉब्लम गाइस बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। गाइस जैसे कि फोन अप्लाई प्रॉब्लम क्या होता है, हम यहाँ पे अगर जेड फोन से करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन से करते हैं तो हमारे फोन में जो कि अप्लाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट आया हुआ है गाइस यहाँ पे आप अपने फोन में फोन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ से गाइस आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे, आप आपके फोन में अगर एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ है फिर भी आप यहाँ पे जेड फोन के जरिए गाइस उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोन को अप्लाई करके अपने फोन में फोन गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना अपने फोन में, यहाँ पे गाइस सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना जेड फोन, ठीक है, जेड फोन सर्च करेंगे आपको जेड फोन 3 का एक एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे गाइस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन की रेटिंग 4.1 की है, इसको 10 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं गाइस, 11 MB का एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, गाइस हम एप्लीकेशन को ओपन कर दिए, आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ गाइस क्लिक करना है, आपको मिलेगा ग्रैंड का ऑप्शन है, यहाँ पे गाइस ग्रैंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जब गाइस आप क्लिक करेंगे आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अलाउ कर देना है, अलाउ करेंगे और यहाँ पे गाइस आपके फोन में फोन खोल के ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आपको कलरफुल चाहिए या फिर नॉर्मली चाहिए, जो भी फोन आपको चाहिए यहाँ पे गाइस बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। तो हम देखिए यहाँ पे गाइस क्विक करके और यहाँ पे बिल्कुल चेंज करके भी आपको दिखाएंगे। तो हम देखिए गाइस अपने फोन में इस एप्पल वाले फोन पर गाइस हम क्लिक करते हैं, यहाँ आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, ऐड को गाइस थोड़ा सा वॉच करके यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आ जाएंगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पर गाइस क्लिक करना और आपके फोन में ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई पे गाइस क्लिक करना है, आपको ग्रेट स्टार्ट पर गाइस क्लिक करना है, यहाँ गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा यूज दिस फोल्डर, यहाँ गाइस क्लिक करना है, आपको कैंसिल और अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा और आप थोड़ा वेट करते हैं, ओके का ऑप्शन है, ओके पे गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस ये आपके फोन में डाउनलोड होगा, ठीक है, डाउनलोड होने से उसके बाद हम यहाँ से और भी सेटिंग आपको बताते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, इसी में आपको गाइस बता दूँ अगर आपको अपने फोन में फोन को अप्लाई करना है, ठीक है, फोन अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा, तभी गाइस फोन यहाँ पे चेंज होगा, नहीं तो गाइस फोन चेंज नहीं कर पाएंगे। वाईफाई कनेक्शन सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वाईफाई यहाँ पे देखिए मैं ऐड को बैक करते हैं, अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई पे गाइस हम क्लिक करते हैं, आपको मिलेगा ग्रेट स्टार्ट, यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप एक्चुअली जब क्लिक करते हैं तो आपके फोन में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, और अभी देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो आपके फोन में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा यूएसबी का ऑप्शन, यहाँ पे गाइस अगर ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे ऑन करके ओके करना, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन जो हम ऑफ कर रहे हैं इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, इसको दोनों को ऑन करेंगे और आपको नीचे वाले पे लेफ्ट की साइड में क्लिक करना है, यहाँ लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विथ QR कोड, और यहाँ पे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, यहाँ पे गाइस पेयर कोड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ कोड आएगा 8935 74, उसके बाद यहाँ पे गाइस स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ये इसी कोड को आपको एंटर करना है, 8935 74, ठीक है, हम यहाँ पे देखो कोड एंटर करते हैं, तो यहाँ पेयरिंग कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे गाइस आपको उसी कोड को ऐड करना है, 8935 74 ऐड करके यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ गाइस क्लिक कर देंगे और आपके फोन में सक्सेसफुली ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ पे गाइस अभी योर कैन स्टार्ट, तो यहाँ पे देखिए सर्विस हमारे फोन में स्टार्ट हो चुकी है, हम यहाँ से देखिए बैक आते हैं, बैक आ चुके हैं, फिर से बैक आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे गाइस आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आपको क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ जेड फोन 3 का जो ऑप्शन है यहाँ पे गाइस क्लिक करना आपको, यहाँ गाइस आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पहले बैक आना, ठीक है, बैक आएंगे एक बारी आपको यहाँ पे स्टार्ट पे दोबारा से क्लिक करना, आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन है, यहाँ गाइस क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे एक्चुअली जब गाइस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी एक आपको नया पेज खुल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए खुल के ओपन हो चुका है, यहाँ पे गाइस क्लिक करके आप जो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे गाइस जो कि आपको क्लिक क्या करना है इसको एक बारी ऑफ करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑन कर देना, ठीक है, ऑन करके यहाँ से बैक आना है और अभी आपके फोन में यहाँ पर गाइस फोन बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे फोन में डाउनलोड होगा, उसके बाद हमें उसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका और ऑटोमेटिक आपके फोन में यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक फिर आपका जेड फोन यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे फोन में ओपन हो चुका है, यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम नीचे और यहाँ पे देखिए जो एप्पल का फोन है यहाँ पे गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड आएगा, ऐड को गाइस यहाँ पे एक बार बैक करेंगे, अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे गाइस क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे चेंज फोन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है, यहाँ गाइस क्लिक करेंगे आपको मिलेगा कस्टम जेड फोन, यहाँ गाइस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई पे गाइस क्लिक कर देना है,
यहाँ अप्लाई पे गाइस क्लिक करेंगे और अभी देखिए ऑटोमेटिक आपके फोन में यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक फोन को गाइस अप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस हम सेटिंग को ओपन करते हैं, सेटिंग को गाइस ओपन कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे फोन में एप्पल का फोन गाइस अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आया हुआ है गाइस, तो अगर आपको फोन को अप्लाई करने में गाइस प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वीडियो के जरिए, इस सेटिंग के जरिए अपने फोन में एंड्रॉइड 12 के अपडेट में तो गाइस फोन को अप्लाई कर सकते हो। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है गाइस, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आई होप गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर के सेंटेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।